नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि है स्पेशल हरियाणा डी ग्रुप, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और एचटेट के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए। और अगर आप इसी तरह डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लकवा किस विटामिन की कमी से आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा B7, आंसर बी। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में लकवा लग जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो B5 है इससे क्या होता है, बाल सफ़ेद होते हैं और जो मंदबुद्धि हो जाती है। और बात करें B2, इससे क्या होता है, त्वचा फटने लगती है। आँखें ना, जो आँखें, इनका रंग कैसा हो जाता है, लाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, घूमती हुई वस्तुओं की गति याद की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा गायरोस्कोप। आंसर क्या होगा, सी। और जो कार्बोरेटर होता है ये वाला, इसका क्या काम होता है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना। और ओडोमीटर, ये क्या काम करता है, पहिए वाली गाड़ी होती है ना, इसकी दूरी मापने का काम करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल के दाब परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बैरोग्राफ, आंसर सी। और जो बैरोमीटर है इसका क्या काम होता है, वायुमंडल का दाब मापना। और फैदोमीटर का काम होता है समुद्र की गहराई मापना। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैरोमीटर की खोज किसने की? तो ये किसने की थी, ये की थी टोरसेली ने। किसने, टोरसेली ने। आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, और जो ये टेलर है ना, टेलर, ये इसने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉनिक टीवी की। इसका पूरा नाम क्या था, टेलर फोरेंस बर्थ। क्या, टेलर फोरेंस बर्थ। और एक था एलेसांड्रो बोल्टा, इसने किसकी खोज की, विद्युत बैटरी की। और थॉमस एल्वा एडिसन, ये वाला, इसने किसकी खोज की, ग्रामोफोन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, डायनामो की खोज किसने की? तो बताइए ये किसने की, ये की थी माइकल फैराडे ने। क्या, माइकल फैराडे। आंसर क्या हो गया, सी। और लेचेस्टर ने किसकी खोज की, इसने की थी डिस्क ब्रेक की। और राल्फ वेजबूड ने, इसने की थी कार्बन पेपर की। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवेग का मात्रक क्या है? तो बताइए इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है न्यूटन सेकंड, आंसर ए। ठीक है, जिसे दिखाया जाता है NS के द्वारा। और जो हर्ट्ज है, इसका मात्रक है आवृत्ति। और जो जूल है, इसका मात्रक है कार्य और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा घासों का। आंसर क्या हो गया, सी। और जो एंथ्रोलॉजी होती है, इसमें किसका अध्ययन होता है, पुष्पों का। और एक होती है सपर्मोलॉजी, जिसमें अध्ययन होता है बीजों का। और बात करें कवक, तो इनका अध्ययन होता है माइक्रोलॉजी में। किसमें, माइक्रोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा झाड़ियों के अध्ययन से, आंसर बी। और जो शैवालों का अध्ययन है, इसे क्या कहते हैं, फाइक्रोलॉजी। क्या, फाइक्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर के भीतर खून निम्न में से किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हिपेरिन। क्या, हिपेरिन। आंसर क्या हो गया, बी। और जो ये है फाइब्रिनोजेन, ये क्या है, रक्त को जमाने में सहायक। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो बताइए ये किसका घटक है, इसका आंसर आएगा RBC, आंसर ए। और RBC का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, और इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। ठीक है, और ये क्या करती हैं, रोगाणुओं से लड़ने में सहायता। पीत जमा होता है, तो पीत कहाँ पे जमा होता है,
ये होता है पित्तरस में। आंसर क्या हो गया? सी। और पित्तरस उत्पन्न कहाँ पे होता है? ये होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव जीवन काल में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो बताइए ये कितनी है? ये है 20। आंसर क्या हो गया? ए। देखो टोटल दांत कितने होते हैं? 32, जिसमें से 20 अस्थायी और 12 स्थायी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जांघ की, आंसर सी। और जिसका नाम क्या है? फीमर, ये वाली, ठीक है। और सबसे छोटी होती है कान की, जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है टांगों में, आंसर सी। और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी होती है, और जांघ में पाई जाती है फीमर, और खोपड़ी में पाई जाती है मेरुदंड। और बात करें मुंह की, मुंह में पाई जाती है इनेमल, जो कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पावो क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए ये किसका है? ये है मोर का, आंसर क्या हो गया? डी। और बात करें आम, आम का क्या नाम है? मैगीफेरा इंडिका। बात करें मनुष्य, इसका क्या नाम है? होमोस्पेसियस, ठीक है। और बात करें मेंढक की, तो मेंढक का नाम है राना टिग्रिना, क्या? राना टिग्रिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताइए ये कितने होते हैं? ये होते हैं 3, आंसर बी। और मनुष्य के 4, यानी जो भी स्तनधारी है ना उनके होते हैं 4 कक्ष, और जो पक्षी हैं इनमें होते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, क्या? वाटसन एवं क्रिक ने, आंसर बी। और जो ये था ना ल्यूवेन होक, ये वाला, इसने किसकी खोज की थी? जीवाणुओं की। और बात करें डाल्टन की, इसने दिया था परमाणु का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने, आंसर सी। और न्यूटन ने दिया था गति का नियम, मेंडल ने दिया था अनुवांशिकता का नियम। और जो ये है आर्कमिडीज, इसने किसका नियम दिया था? तैरने का, क्या? तैरने का। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो बताइए ये कौन है? तो इसका आंसर आएगा लिस्टर, आंसर डी। और जो लुई पाश्चर है, इसने की थी रेबीज के टीके की खोज, और हार्वे ने की थी कोशिका की खोज, और जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वाटसन, आंसर सी। और एक बात और देखो, जो वाटसन था और एक था आर्थर, इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? आरएनए की, ठीक है। और एक और बात, वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? डीएनए की। और अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? मेंडल ने। तो आ गया आपको समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। चाहे वो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का हो, या लैब अटेंडेंट का हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो एचएसएससी से रिलेटेड है, उसके लिए हमने 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।